तस्वीरें एलनाबाद के वार्ड नंबर 6 बिजली के पास की हैं, जहां एक बार फिर दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। मोटरसाइकिल पर सवार तीन बदमाशों ने दो सगी बहनों पर पेट्रोल और एसिड से अटैक किया है। इस वारदात में दोनों बहनों में से छोटी बहन बाल बाल बच गई, लेकिन बड़ी बहन तेजाब से झुलस गई। मैं 6 नंबर वार्ड से हूँ, बिजली घर के सामने सामने, और हम बाजार गए थे और वो हमारे पीछे से पहले उन्होंने धक्काबाजी की और फिर हमारे पीछे से आके उन्होंने पेट्रोल डाल दिया मेरी बहन सिस्टर पे और मेरे पे। बंटी सैनी है, सिरसा से, तारा बाबा कुटिया सामने सामने उसका घर है और उसके बाप का नाम लीला दर सैनी है शायद, हाँ सिरसा का है वो। तेजाब और एक लड़का और है, उसका मैं नाम जानती नहीं, एक बर्त सोनी है, वो एलनाबाद का ही है इनका। हम सुबह 7 बजे ट्रेन में आए थे, उसने हमें देखा था और उसने देख के उसे बताया था, और अब लगभग 10 बजे की बात है, वहाँ पे सारा सबूत पड़ा है अभी तक, वो जिस लोटे में उसने डाल रखा था वो भी वहीं पे पड़ा है अभी तक। कहाँ की घटना है ये, कहाँ पर? ये बिजली घर के बैक साइड में मंदिर है वहाँ पे। हम शादुल शहर से आए थे यहाँ पे एलनाबाद, और वो सिरसा का है, वो यहाँ पे बर्तसोनी है, वो मेरा भाई है वैसे तो, पर वो यहाँ पे रहता है, उसने उसको खबर दिया है वो यहाँ पे आए हुए हैं, इसलिए उसने पीछे से आके पेट्रोल वो तेजाब दे गिर दिया। वो आपको जानता है पहले से, तेजाब क्यों डाला उसने? जानता नहीं है वो, बर्तसोनी जानता है मेरे को, हमारे को वो बर्तसोनी को नहीं है, वो जानता है काम खराब है। बंटी सैनी ने डाला है, भरत सिंह मोटरसाइकिल चला रहा है, और एक पीछे बैठा बंदा, और एक वो सबसे पीछे बैठा था बंटी सैनी, उसने गिरता है। कोई रंजिश नहीं है, वो मामूली सी माड़ी मोटी बात करती थी मेरी सिस्टर, और कोई बात नहीं है हमारी उनके साथ, ना हम उसको जानते ना वो हमें जाने। नहीं 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 कुछ नहीं करती मैं, मेरी सिस्टर कुछ नहीं करती, पढ़ती भी नहीं है, हाँ शादीशुदा है, उनके घर वाला नहीं है, 3 साल हो गए डेथ हुई हुई है, 2 लड़की है और एक लड़का है। वो लड़की की उम्र 45 साल। सोनू जाते हुए बिजली गिर गया, सामने गेट का माल गेट है, अभी गेट के सामने गली है, अभी गली मेरा घर है। भरत सोनी था, मेरी कोई बिया तू सुनाई कोई अड़ी को नहीं, पर सिर्फ लोन मिलियो मैंने मोदी वालों भी, लोन मकान बनवाए हूँ मैं भी नहीं आते, भी मैं चुकी जानू को नहीं, गरीब आदमी हूँ मैं, दिहाड़ी करने आदमी हूँ, मैंने मेरे को नहीं केड़ूंगा कुछ नहीं, तू इं करके मेरे मकान बनवा दे, अरे जगह तेरा दस रही हूँ साहब ने वो मेरे को ले ली, अरबिया तू मेरे भतीजो है कोई दूसरों को नहीं, तू मेरे मकान बना दे, मैं 2.5 लाख रुपया मिल दिया, तू क्यों मैंने 1 लाख रुपया आदमी पर लगाया, 1.5 लाख रुपया खा दियो, हाँ यही भी बात वो आड़ी कर रखी, अब क्या मकान में बनवा मैं खुश दूंगा, क्योंकि बड़ी बातों के भी सड़ने मारा ही नहीं, लेकिन मारा कुकरी करके भी मैं तो करने लोगों को नहीं, बुड्ढो आदमी हूँ, बंटी तो बहुत भर्ती करूँगा सारा खेला। आपके अकेली लड़कियाँ भी हैं, लड़के भी? लड़का मेरा तो छोटा है, इतना का है, पढ़ाई करता है, लड़कियाँ हैं 4, हाँ हाँ 3 बच्चे हैं उसके। वही घटना की जानकारी मिलने के बाद महिला मोर्चा संगठन की अध्यक्ष निताशा सिहाग ने पीड़िता और उसके परिवार से मुलाकात की और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाने का आश्वासन दिया। वही मामले को लेकर पुलिस ने पीड़िता और उनके परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया और आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। देखिए ये एक बहुत ही निंदनीय घटना है, और आज भी मुझे लगता है कि महिलाओं को ऐसे समझा जाता है जैसे कि वो भेड़ बकरी हैं, इस तरह से एक महिला के ऊपर एसिड अटैक करना बहुत ही निंदनीय है, और मैं प्रशासन से भी सरकार के में होने के नाते भी हम पूरी कोशिश करेंगे, कोशिश ही नहीं करेंगे 100% ये श्योर करेंगे कि जो भी इस घटना के जिम्मेवार हैं और जिन लोगों ने भी इस महिला के ऊपर एसिड अटैक किया है उनको 100% सज़ा हो, और उनको 100% इस बात का रियलाइजेशन हो कि एक महिला उनकी कोई ज़रूरत की चीज़ नहीं है, महिला के अस्तित्व को उन्होंने एक बार छेड़छाड़ करने की कोशिश की है, और ऐसी चीज़ें कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। वहाँ पर कुछ सीसीटीवी कैमरे भी लगे होते, क्या वहाँ तक पहुँचकर इसको आगे लाएंगे? बिल्कुल, इनके अभी मैंने महिला से भी बात करी है, और बल्कि इनके जो रिश्तेदार साथ में हैं फैमिली मेंबर्स उन्हीं से भी अभी चर्चा हुई है, इन्होंने बकायदा अपराधियों को देखा भी है और वो जानते भी हैं कि इन्होंने ऐसा काम किया है, तो उन्होंने पुलिस प्रशासन को भी इसके लिए अवगत करवा दिया है, और पुलिस के माध्यम से ही उनको आज यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है, और एक महिला होने के नाते भी और बीजेपी की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी मैं रह चुकी हूँ और ग्रेवेंसेस की मेंबर होने के नाते भी मैं ये 100% श्योर करूँगी कि किसी भी तरह से किसी भी सिंगल व्यक्ति का नाम इसमें से ना निकल जाए, 100% जितने भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व हैं उनको सबको सजा होगी, ये हम लोग बिल्कुल इंश्योर करेंगे।
देखिए अभी जब मैं पहुंची थी उससे पहले इनको ट्रीटमेंट के लिए यहाँ लेके आया जा चुका था, और मेरी इनसे फैमिली से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये सबसे पहले एसिड अटैक होने के तुरंत बाद ही पुलिस प्रशासन के पास गए हैं और पुलिस प्रशासन के माध्यम से ही इनको यहाँ सिविल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। देखिए ये एक गिरी हुई सोच का नतीजा होता है, ये जो लोगों की गिरी हुई सोच है, एक जो ये घटिया स्तर की सोच है, जो ये मतलब के सोचते हैं कि महिलाओं को इस तरह से प्रताड़ित करके वो उनके मतलब के एक तरह से उनके अस्तित्व के ऊपर दाग लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब महिला इतनी कमज़ोर नहीं है कि अपने ऊपर हो रहे इन अत्याचारों को वो बर्दाश्त करेगी। महिला 100% आवाज़ उठाएगी और एक महिला होने के नाते मैं उनके साथ 100% खड़ी रहूँगी और हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि आगे से भी ऐसी कोई घटना ना हो। और जो ये घटना हुई है, इस घटना से जिन्होंने ये घटना करी है उनको इतना सबक मिले कि दोबारा से कोई व्यक्ति ऐसा काम करने की सोचे ना। आज सुबह अराउंड 10:30 बजे एक लड़की जो है एसिड अटैक के साथ हमारे अस्पताल में आई है। उसकी एक राइट साइड पे जो है एसिड फेंका गया है, किसी जानकार द्वारा ही एसिड फेंका गया है। अभी वो जो है अंडर ट्रीटमेंट है हमारे अस्पताल में, सरकारी अस्पताल इलाहाबाद में अंडर ट्रीटमेंट है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। ये लड़की लोकल इलाहाबाद की बताई जा रही है और किसी आपसी में किसी जानकार के द्वारा ही एसिड फेंका गया है और करीबन 15-20% जो है सरफेस एरिया अफेक्टेड है इसमें। उसके फादर हैं अभी तो मौके पे साथ, और एक आधे के मोहल्ले के या गवाह जो बोलते हैं वो भी साथ में। ये हाथ पे है ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा तो ये छाती पे और हाथ पे है और थोड़े छींटे पैर पे हैं और थोड़ा बहुत सिर पे है। इसका ट्रीटमेंट यहीं पे होएगा। अगर कुछ लगा कि ज़्यादा हो रखा है अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा कि इसको रेफर करना पड़ेगा, लेकिन अगर कुछ मानसिक तनाव वगैरह लगा तो हम इसको सरकारी अस्पताल सिरसा में भेजेंगे। ये लड़की के लगभग 30 वर्ष का है। एलनाबाद में हुई ये घटना अज्ञात डर मन में समेटे हुए है, वारदात चौंकाने वाली है और साथ में ऐसे कई सवाल खड़े कर रही है जिनका हर कोई जवाब चाहता है। अब सवाल ये है कि एसिड स्टार सर्वाइवर लक्ष्मी के बाद साल 2015 में एसिड बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और इसके लिए शर्तें भी रखी गई थी। ऐसे में अब सवाल उठता है कि ऐसे लोगों के पास प्रतिबंधित तेजाब की बोतल कहाँ से आ गई, ये एक जरूर जाँच का विषय है। एलनाबाद से सुरेंद्र सरदाना, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।